साउथ के इन सुपरस्टार्स ने कैसे पछाड़ा बॉलीवुड के स्टार्स को। नंबर 7, रामचरण। दोस्तों, हाल ही में आई RRR तो आप सभी ने देखी होगी और उसमें एक एक्टर ने राजू का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया। रामचरण आज साउथ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा है जिनका बॉलीवुड भी दीवाना है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को चेन्नई में हुआ था। रामचरण का पूरा नाम कोरी दिलावर रामचरण तेजा है। एक्टिंग तो भाई इनके खून में है। ये साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। उन्होंने अपना डेब्यू साल 2007 में चिरोथा से किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड भी मिला था। फिर भी उनको इस फिल्म से वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। और बात आती है अब साल 2009 में। इन्होंने SS राजामौली की फिल्म मगधीरा में काम किया और जिससे ये पूरी की पूरी साउथ इंडस्ट्री पर छा गए। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म को 757 दिनों यानी कि लगभग 2 साल 2 महीने तक सिनेमा घरों में लगातार चलाया गया। इसके बाद रामचरण ने रचा, नायक, गिबरू जैसी फिल्मों में काम किया और कमाल कर दिया। लेकिन असली कमाल होता है जब आती है उनकी फिल्म RRR यानी कि RRR, और इस फिल्म ने लगभग 1200 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा रामचरण अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं जिसका नाम है कोनी देला प्रोडक्शन कंपनी। इसके अलावा रामचरण के फिल्मी करियर के अलावा उनकी पोलो टीम है हैदराबाद पोलो और राइडिंग क्लब, जिसके वो मालिक हैं। उनका खुद का एयरलाइंस का बिजनेस भी है और रामचरण एक फिल्म करने के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ करीबन 1250 करोड़ रुपए है। नंबर 6, सूर्या शिव कुमार। अब बात अगर साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की हो, उसमें अगर सूर्या शिव कुमार का नाम ना आए तो भाई वो लिस्ट तो अधूरी ही रह जाती है ना। 23 जुलाई 1975 को जन्मे साउथ सिनेमा के सिंघम के नाम से मशहूर हैं ये, और फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ये सूर्या ने आज अपने दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। सिनेमा में आने से पहले वो अपनी पहचान छिपाकर कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगे थे। लेकिन जब फैक्ट्री के मालिक को सूर्या की असली पहचान के बारे में पता चला तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। सूर्या ने सिनेमा जगत में 22 साल की उम्र में 1997 में फिल्म निरुनु मुनीस से कदम रखा था। लेकिन इन्हें फिल्मी जगत में असली पहचान फिल्म फ्रेंड्स और नंदा से मिली थी, और जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म मंदा के लिए उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर के रूप से नवाजा गया। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसके बाद तो उन्होंने काका काका विथ मगन जैसी सुपर हिट फिल्में दी। सूर्या सिर्फ साउथ सिनेमा में फेमस नहीं है बल्कि हिंदी सिनेमा के फैंस भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इनकी एक फिल्म जय भीम ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। यस, ऑस्कर के लिए। और आज के समय में सूर्या साउथ सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, और सूर्या रियल लाइफ में एक राजकुमार की तरह जिंदगी जीते हैं। इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल में शानदार बंगला, महंगी गाड़ियां समेत कई देशों की कीमती चीजें शुमार हैं, और सूर्या की नेटवर्थ लगभग 2.5 करोड़ है। नंबर 5, धनुष। दोस्तों, कोलावेरीडी गाना तो आपने सुना ही होगा। सुना है ना, बड़ा अच्छा गाना है, मजा आता है। इस गाने ने एक टाइम पर सब पर जादू कर दिया था और इस गाने की वजह से साउथ एक्टर धनुष को काफी फेम मिला। धनुष साउथ इंडस्ट्री के जाने माने और लेजेंड एक्टर रजनीकांत के दामाद हैं। इन्होंने रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में धनुष की पहचान उनकी एक्टिंग और उनके टैलेंट की वजह से है। धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 को हुआ। धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष के करियर की शुरुआत फिल्म ठुलो बड़ो फिल्माई फिल्म से हुई थी। धनुष ने अपने करियर में ना सिर्फ साउथ में बल्कि बॉलीवुड में भी लोगों को अपनी एक्टिंग से दीवाना किया हुआ है। एक साउथ एक्टर होते हुए भी धनुष ने बॉलीवुड फिल्म रांझना में एक बनारसी लड़के का किरदार निभाया और सबको अपनी एक्टिंग से हैरान कर दिया। धनुष अपनी फिल्म के लिए 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और धनुष की नेटवर्थ लगभग 650 करोड़ रुपए के आसपास है। जी हाँ, और दोस्तों कुछ समय पहले ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। नंबर 4, यश। ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF के हीरो यश ने अपनी एक्टिंग से सभी के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। KGF के पहले पार्ट के बाद यश की पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई और लोगों ने इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया। अब फिल्म इंडस्ट्री में यश के नाम से मशहूर इस एक्टर का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। यश का जन्म 18 जनवरी 1986 को हुआ। यश ने 2004 में आई कन्नड़ धारावाहिक उत्तरायण से अभिनय की शुरुआत की और इस सीरियल में उन्हें काफी पसंद किया गया।
इसके बाद 2008 में उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ और उन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म मोगिना मनशूक में काम किया और इस मूवी के लिए यश को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। अवार्ड मिलने के अलावा इस फिल्म से ही उन्हें राधिका पंडित के रूप में अपनी लाइफ पार्टनर भी मिल गई और इस फिल्म के बाद यश ने कई सारी हिट मूवीज में काम किया। यश को इस फिल्म से फेम तो मिला लेकिन उन्हें असली फेम मिला केजीएफ से। इस फिल्म ने यश को वो पहचान दी जिसके वो हकदार थे और आज यश साउथ के सुपरस्टार होने के अलावा सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं। एक एक्टर के मुताबिक यश अपनी एक फिल्म के लिए करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 3, अल्लू अर्जुन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है अपन। दोस्तों इस डायलॉग पर तो दुनिया के बच्चे बच्चे ने भी रील बना ली है और इस फिल्म का गाना इस फिल्म से भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। लेकिन इन दोनों ही चीजों को जिसने फेमस किया वो है अल्लू अर्जुन, जिन्होंने पुष्पा के इस किरदार में जान डाल दी और एक्टिंग तो उनके खून में है। ये स्टार एक फिल्मी परिवार से है और अल्लू अर्जुन का जन्म 3 अप्रैल 1983 को हुआ। साउथ के लेजेंड एक्टर रामचरण के पिता चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के चाचा है और पवन कल्याण भी इनके चाचा है। अल्लू अर्जुन भी चिरंजीवी की फिल्म विजयंत में एज अ चाइल्ड एक्टर के तौर पर परफॉर्म किया। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने पहला मेन लीड रोल साल 2003 में फिल्म गंगोत्री से किया। इस फिल्म के बाद से ही अल्लू अर्जुन ने अपने लिए एक बड़ी फैन बेस तैयार कर ली। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में की और पूरे इंडिया में इन्हें पहचान पुष्पा मूवी से मिली। इस मूवी से उन्हें इतनी पहचान मिली कि हर कोई इस फिल्म के सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी पुष्पा के फैन हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको बता दें कि अपने यूनिक अंदाज की वजह से इनके फैंस इन्हें बहुत ही स्टाइलिश स्टार के नाम से बुलाते हैं। अपने स्टारडम के कारण अल्लू अर्जुन हर फिल्म से मोटी रकम चार्ज करते हैं। एक फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन लगभग 13 से 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 2, जूनियर एनटीआर। दोस्तों ट्रिपल आर मूवी में रामचरण के साथ भीम के कैरेक्टर को भी लोगों ने काफी पसंद किया। जूनियर एनटीआर ने अपनी परफॉर्मेंस से इस किरदार में एक अलग ही जोश डाल दिया और इस फिल्म से जो लोग जूनियर एनटीआर के फैन नहीं थे वो भी उनको अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सके। जूनियर एनटीआर के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम नंदमुरी तारक रामा राव है। इनका जन्म 20 मई 1983 को हुआ था और इन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया। इसके बाद इन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 की। जूनियर एनटीआर की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से तो है ही, साथ ही मेन इनकी फैमिली राजनीति में भी काफी एक्टिव है। जूनियर एनटीआर ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, जिसमें जय लव कुश, सिहाद्री, टेम्पर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। अपनी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंसेस के लिए जूनियर एनटीआर ने काफी सारे अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। ये सुपरस्टार अपनी एक फिल्म के लिए 40 करोड़ के आसपास की फीस चार्ज करते हैं। नंबर 1, विजय थालापति। दोस्तों अब हम आपको जिस एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक्टर फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर्स में से हैं। कोरोना के समय पर मास्टर फिल्म तो सबने देखी होगी। इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही लगभग 200 करोड़ का बिजनेस किया था जो कि एक रिकॉर्ड है। विजय थालापति का जन्म 22 जून 1974 को हुआ। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नालियां थरुपू से की थी और विजय ने अब तक करीबन 65 फिल्मों में काम किया है जिसमें से ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। एक्टिंग के अलावा विजय थालापति सिंगिंग में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और इन्होंने तुप की फिल्म में गूगल गूगल गाना भी गाया था जो कि काफी फेमस हुआ था। इस गाने को बेस्ट पॉपुलर तमिल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला। यस। और दोस्तों आपको बता दें कि विजय अपनी एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और फिल्म मास्टर के लिए विजय ने 110 करोड़ रुपए की फीस ली थी। तो वहीं थालापति 65 के लिए विजय ने 100 करोड़ रुपए की फीस ली थी। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इन सभी में से कौन है आपका फेवरेट साउथ एक्टर कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।